हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे दे तिमन। नई सरकारी परमानेंट वैकेंसी आई है चंडीगढ़ जेबीटी टीजीटी पोस्ट की। सैलरी 65,000 आप लोगों को मिलेगी। सीटेट की जो है यहाँ पर जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी आई है। सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बाकी चीजें जो है नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मेन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है 15 सितंबर को। आप देख रहे हैं 15 सितंबर को जो है ये पब्लिश हुआ है एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन की रहने वाली है 20 सितंबर से। उसके बाद जो है यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। 22 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 13 पोस्ट है ओबीसी की, एससी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की 49 है। नेक्स्ट जेबीटी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है 47 है टोटल पोस्ट, जिसमें 23 पोस्ट जो है जनरल की है, 12 ओबीसी की है, एससी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। यहाँ पर पे स्केल जो है दोनों पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है, तो द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए रहेगी 9300, 34,800 प्लस ग्रेड पे रहेगी 4600। इसके अलावा जेबीटी के लिए यहाँ पर है सैलरी 9300, 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200, यानी लगभग जो है 65,000, 68,000 के लगभग आपकी जो है सैलरी यहाँ रहने वाली है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। क्वालिफिकेशन यहाँ क्या कहा गया है, या द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए, तो यहाँ ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में होना चाहिए और आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ में, या फिर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और बीएड डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में और बीएड के साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की, यहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो 50% अंकों के साथ में, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है आप लोगों का एक टेस्ट होगा, कोई भी इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होगा, मात्र एक टेस्ट ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 40% मार्क्स जो हैं सभी कैंडिडेट को लाने जरूरी हैं। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, 150 ही क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सिलेबस जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर लिखा है जनरल अवेयरेंस रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथडोलॉजी के 15 प्रश्न होंगे, यहाँ पर आईसीटी के 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन से संबंधित होंगे। बाकी यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन हैं वो पंजाबी लैंग्वेज के रहेंगे और जो भी पंजाब के स्टूडेंट हैं, चंडीगढ़ के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए 10 क्वेश्चन इनको सॉल्व करना जो है आसान रहेगा। तो यहाँ अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बस यही है कि जितने भी आगे आप देख रहे हैं जनरल अवेयरेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं, बहुत अच्छा स्कोर अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स जो है इसको आप जो है पंजाबी लैंग्वेज को सीखना जो है थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो आप इस 10 मार्क्स को जो है वो बिल्कुल भूल जाएं कि 10 मार्क्स जो है वो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। बाकी सिलेबस जो है अभी आया नहीं है और सिलेबस जैसे ही आता है मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे नए वीडियो पता लग सके। यहाँ पर जो फीस रहने वाली है एप्लीकेशन करने के लिए जो फीस रहेगी, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आप लोगों को 1,000 रुपीज जनरल कैटेगरी के रहेंगे और एससी कैटेगरी जो है उसके रहेंगे 500 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के यहाँ एप्लीकेशन फीस लगेगी। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। टेस्ट के द्वारा ही जो है आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ऑल द नोटिस एंड अपडेट, जितने भी आगे नोटिस आएंगे, अपडेट आएंगे, तो वो सभी अपलोड कर दिए जाएंगे इसकी मेन वेबसाइट पर। ये इसकी मेन वेबसाइट है www.chdeducation.government.in। तो इसी पर आप लोगों को विजिट करना है, रेगुलर आप लोग इस पर देखते रहें जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि सिलेबस सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे 20 सितंबर से, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।